जीव गोस्वामी ने एक हंस दूत नामक पुस्तक लिखी है जिसमें उद्धव को ब्रज जाने से पहले ब्रज के लोगों ने हंस को दूत बना के मथुरा भेजा। हंस ने आकर के ब्रज में ब्रज की जो दशा है वो श्री कृष्ण को बताई और कहा, हे माधव, तुम ब्रज लौट आओ, नहीं तो ये ब्रज आंसुओं की बाढ़ में डूब जाएगा। अब ब्रजवासी धैर्य नहीं रख पा रहे हैं। ब्रज डूबे उससे पहले तुम लौट आओ। सारी ब्रज की दशा उस हंस ने श्री कृष्ण को बताई थी, इसलिए कृष्ण कहते हैं, उद्धव तू जितना जल्दी हो सके ब्रज चला जा और ब्रज जाके उन ब्रजवासियों को सांत्वना दे दे। उद्धव ज्ञान की पोटली लेकर के रथ में विराजमान होकर के ब्रज चल पड़े। ब्रज में आए, उद्धव समझ नहीं पा रहे कि ये वही ब्रज है जहां दिन रात कोयलों की कलरव, गायों का रंभाना, मोरों का नाचना, पर आज तो वहां सब सूना है। किसी में कोई खुशी नहीं, किसी में कोई उत्साह नहीं। एक गोपी निकल के जा रही थी, उद्धव ने पूछ लिया, गोपी क्या यही नंदग्राम है? हाँ यही है। आपको कहाँ जाना है? मुझे यशोदा के घर जाना है, नंद बाबा के घर जाना है, रास्ता बता दे। गोपी हंसती हुई बोली, लगता ब्रज में नए आए हो। हाँ पहली बार आया। अच्छा ठीक है, किसी से मत पूछना, पूछोगे तो रास्ता भटक जाओगे। सामने वो जो नाली में जल आ रहा है ना, वो जल जहां से प्रगटा है वही नंद का घर है, वही यशोदा का घर है। उद्धव ने गोपी को धन्यवाद दिया। गोपी जाने लगी तो पूछा, गोपी मैंने तुझसे रास्ता पूछा तो तूने बड़ा अजीब रास्ता बताया। ये पहचान भी थोड़ी अजीब थी कि जहां से जल निकल रहा हो वो नंद का घर है, तो ऐसा क्या है इस जल में? गोपी की आंखें भर आई और उद्धव से कहती है, उद्धव ये पहचान इसलिए है क्योंकि ये जो जल बहता हुआ आ रहा है, अगर तुझे ये जल दिखाई दे रहा हो और तू समझ रहा हो कि ये जल है तो उद्धव ये जल नहीं है, तो क्या है? उद्धव ये हमारी यशोदा महारानी के आंसू हैं, उसके अश्रुओं की धार है। वो बैठ जाती है साथ में, कुछ गोपी बैठ जाती है और बैठ कर के बस कृष्ण चर्चा करती हैं, कृष्ण के बारे में बातें करती हैं।
और बातें करते करते उनका दिन कब बीत जाता है उन गोपियों को भी नहीं पता और यशोदा को भी नहीं पता। उद्धव माता से मिलने की आशा लेकर के पहुंच गए नंद महल के कोने में। यशोदा बैठी थी गोद में, एक तकिया थी, और उसी को लोरी गाकर कृष्ण समझ करके माता सुला रही थी। उद्धव ने जाके परिचय दिया, माँ प्रणाम, मैं उद्धव हूँ। कृष्ण का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ। सुना मैया ने, कृष्ण का मित्र है। बड़ी प्रसन्न हुई और उद्धव को अपने गले से लगा लिया। उद्धव को पकड़ा, आंख से अश्रु गिरे, उद्धव को स्पर्श हुआ और जिस प्रेम का भाव उद्धव के अंदर था, माँ यशोदा ने उसका अनुभव उद्धव को कराया।